सत श्रीकाल जी, दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम इतिहास की गल दे विच। 20 अक्तूबर 1962 नू भारत अते चीन दरमियान कई महीनों की झड़प तो बाद सरहद अते विवादित खेतरां दे नाल दोवां पासियां द्वारा रणनीतक फौजी अभ्यासा चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी ते भारत ते इक्को समय दो वड्डे हमले किए, जिस नाल भारतीय लीडरशिप अते एक घट तैयार फौज नू वड्डे पद्धर ते रख्या गया। दोहरे हमलिया ने दो हिमालयन गुआंढियां नू शामिल करन वाले चीन भारत युद्ध की शुरुआत का संकेत दिता। इस युद्ध नू एक अंतम खेड वजो देखा जा सकता है, जो खेतर नू लैके कई छोटे अते वड्डे मतभेदा नाल शुरू होया सी। उदाहरण वजो जो हिमालय खेतर की गल आती है तो भारत की स्थिति यह सी कि पहाड़ प्राचीन समय तो भारतीय उपमहाद्वीप दीआं कुदरती सीमावां सन, अते इसे तरह भारत दीआं आधुनिक सरहदां बणीआं रहणीआं चाहीदीआं सन। चीन ने अपने हिस्से ते दावा किया कि विवादित हिमालयन खेतर भूगोलिक अते सभ्याचारक तौर ते तिब्बत का हिस्सा हैं। 1 जुलाई 1954 नूं प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने एक नोट विच कहा कि सरहद नाल नजिठण वाले साडे सारे पुराने नक्शियां दी ध्यान नाल जांच कीती जानी चाहीदी है अते जिथे लोड़ होवे वापस ले लए जाने चाहीदे हन। नवे नक्शे छापे जाने चाहिए हैं जो साड़ी उत्तरी अते उत्तर पूर्वी सरहद नूं दिखाउंदे होए बिना किसी लाइन का हवाला देंदे हन। इन्हां नवे नक्शियां विच यह भी नहीं दस्या जाना चाहिए है कि इत्थे कोई अणनिश्चानित खेतर है। साड़ी नीति तो वहन अते चीनी नाल साड़े समझौते के नतीजे वजो इस सरहद नूं एक पक्का अते निश्चित मन्या जाना चाहिए है, जिस नाल गलबात करन लई कोई भी खुला नहीं है। 1956 चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने कहा कि उसका भारतीय नियंत्रित खेतर उत्ते कोई दावा नहीं है, पर उसने बाद विच कहा कि अक्साई चीन पहला ही चीनी अधिकार खेतर विच सी। चीन द्वारा मैकमोहन लाइन नू मानता ता देन दे नाल चीनी नक्शियां ने उत्तर पूर्वी सरहदी खेतर NEFA अते अक्साई चीन नू अपने खेतर वजो दर्शाया। भारत ने अक्तूबर 1958 विच अधिकारत तौर ते अक्साई चीन ते दावा किया। फिर दलाई लामा तिब्बत विच बगावत तो बाद भारत भज गया, जिस नाल भारत चीन संबंधा विच होर तनाव पैदा हो गया। 1959 विच अगस्त विच पूरब विच लोंगजू विखे, अक्तूबर विच पछम विच कोंका दरे विच चीनी अते भारतीय फौजां दरमियान वड्डियां हथियारबंद झड़पां होईयां सन। 1960 विच NLI ने गैर रस्मी तौर ते एक सौदे दा सुझाव दिता, भारत अक्साई चीन ते अपने दावे छड्ड देवेगा, बदले विच चीन NEFA उत्ते दावा नहीं करेगा। पर नेहरू दा मानना सी कि चीन कोल दोवां खेतरां ते जायज़ दावे दी घाट है अते उहनां नूं मन्नण लई तैयार नहीं सी। चीन ने जवाब दिता कि भारत दीआं तिब्बत विच शानदार योजनावां हन। भारत ने अपनी अखौती फॉरवर्ड नीति 1961 विच शुरू की, जिसका उद्देश चीनी सैनिकां नूं उहनां दी सप्लाई विच कटौती करन अते उहनां नूं विवादित रेखा दे उत्तर वल धक्कण लई अगे वधाउण दे पिछे चौंकियां बनाउणा सी। जाहर तौर ते भारत दे चोटी दे फौजी कमांडरां दी सोच इह सी कि चीन किसे वड्डे वादे दे हक विच नहीं सी। 1962 दे पहले अद दौरान सरहदी झड़पां जारी रहीआं। जून विच भारतीय सैनिकां ने धौला विच इक चौकी स्थापित कीती, जिस नूं भारत अपना खेतर मानदा सी। 8 सितंबर नूं चीनी फौज दी इक टुकड़ी धौला ते बंद हो गई। इस दौरान तनाव पैदा हो गया, हालांकि कोई गोलीबारी नहीं हुई। 3 दिनां बाद भारतीय पक्ष तों सख्त हदायतां आईआं, सारियां अगां वधू चौकियां अते गश्त नूं भारतीय खेतर विच दाखल होने वाले किसी भी हथियारबंद चीनी ते गोलीबारी करन दी इजाजत दित्ती गई सी। अक्तूबर दे पहले हफ्ते थग ला रिज दे दक्षण वल भारतीय सैनिकां नूं तैनात किया गया सी। 10 अक्तूबर नूं युमतसो ला वल जा रहे एक भारतीय गश्ती दल नूं मोर्टार दा सामना करना पिया। भारतीय फौजी लीडरशिप नूं अजे भी भरोसा सी कि चीन पूरी तरह जंग नहीं शुरू करेगा। हैरानी दी गल है कि जंग शुरू होने तो महज एक महीना पहला मेजर जनरल JS ढिल्लो ने कहा कि चीनिया ते गोलीबारी दे कुछ राउंड उन्हां नूं भज्जण दा कारण बन जाणगे। 20 अक्तूबर 1962 नूं भारत ते हमला करके चीन ने पछमी सैक्टर विच चिप चैप घाटी तो भारतीय फौजां नूं कढ़न दी कोशिश कीती अते पूर्वी सैक्टर विच नमकाचू नदी दे दोवें किनारियां ते कब्जा कर लिया। 24 अक्तूबर तक चीनी सैनिकां नाल 15 किलोमीटर भारतीय खेतर दे अंदर 3 हफ्तियां लई लड़ाई बंद हो गई। चाऊ ने नेहरू नूं एक पत्र भेजा, जिस विच चीनी नेता ने सीमा दे गलबात नाल हल दा प्रस्ताव दिता कि दोवें धिरां नूं असल कंट्रोल दीआं मौजूदा लाइनां तों 20 किलोमीटर दूर छड्डणा चाहीदा है अते वापस लैणा चाहीदा है।
NEFA ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਏਕੀ ਐਕਸਾਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।